जय हिंद। आज है 4 अगस्त, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ और यहाँ पर मेरा सारा सामान वामान भी है। तो दोस्तों, ये था होटल रूम जहाँ पर मैं आज की रात में रुका था और यह है विंडो। ये विंडो मैंने अभी जस्ट खोली। छोटी सी एक बालकनी भी मिली थी यहाँ पर, जिसका मैंने कोई इस्तेमाल तो नहीं किया। और ये आपको यहाँ से दिख रहा है सिरोही जो सिटी है, वो राजस्थान की। साढ़े 9 बज गए, ये था सिरोही शहर। यहाँ से निकलेंगे बाहर, यहाँ पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना, भाई जहाँ पर मैं हूँ सिरोही, यहाँ से जैसलमेर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पाली जोधपुर की तरफ से जाना, जो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, और दूसरा रास्ता है जालौर बल्होत्रा से होकर जैसलमेर की तरफ जाना। ये वाला रास्ता शॉर्टकट है, कम समय लगेगा, पर मेरी दिक्कत यह है कि रोड ऐसा बताओ जिससे लिफ्ट ज़्यादा मिले। पर ठीक है, पहले यहाँ से निकलते हैं बाहर और फिर लिफ्ट लेते हैं। ये एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा इसको कैप्चर कर लिया जाए। बाकी ये जो भाई है, ये मुझे लेकर के जा रहा है मेन रोड तक। दोस्तों, ये चीज़ मुझे जहाँ भी मिल जाती है ना, मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो दोस्तों, घूमते घूमते हम दोनों जन यहाँ पर आ गए। ये भाई यहाँ पर है और हम भी थोड़ा सा जाते हैं फ्रेम में। हाँ जी, तो ऐसी लोकेशन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं छोड़ता। अच्छा लगता है इनको कवर करना। अब तो शायद मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में हर जगह ये चीज़ है। आई लव एवरीथिंग। यहाँ पर ये स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। बाय बाय। यहाँ पर देखो बहुत ही सुंदर मूर्ति को कलर किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्कूटी से एक भाई जा रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि यार मेरे मोबाइल का डेटा ख़त्म है, तो अगर आप कुछ डोनेशन दे सको या कुछ हेल्प कर सको तो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प जाएगी। तो उन्होंने सीधा रिचार्ज ही कर दिया, 2 GB वाला डेटा किया है जियो का, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ये शेयर करना चाहिए, मैंने सोचा ये स्टोरी आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। ये है राजस्थान का सुनसान इलाका। बाकी यहाँ से रोड आ रहा है और मुझे सीधा सीधा ऐसे जाना है जालौर का मेन हाईवे। कितना दूर है पता नहीं, पर हाँ जालौर यहाँ से 75 किलोमीटर है। यही नीम के पेड़ के नीचे रुककर अभी मैं सर्च कर रहा था कि कितना दूर है जालौर, तो 58 किलोमीटर है। ये है एक गांव, यहाँ तक एक भाई साहब लेकर आए थे। बाकी आगे चल रहे हैं। यार मैंने देखा कि कोई हाईवे नहीं है, बस ऐसे ही गांव से गया हुआ यही रोड है और यही रोड जाएगा जालौर तक। चलो ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे रोडों पर यार लिफ्ट कम मिलती है। देसी कुल्लड़ में चाय पीने का मौका मिला, पर ये देसी कुल्लड़ हमसे संभाला नहीं जा रहा है, काफ़ी गर्म है एक्चुअली ये। दोस्तों, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ बागरा राजस्थान में। एक होलसेल की शॉप है यहाँ पर और यहाँ पर हैं ये भाई साहब। इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, इनसे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। इनकी ये शॉप है ना, तो काफ़ी सारा काम ज़्यादा रहता है, तो कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। बाकी मेरे साथ में काफ़ी कुछ इन्होंने बात की, समय की काफ़ी कमी होती है, होलसेल की शॉप है तो इसलिए ज़्यादा रिस्पांस नहीं कर पाए, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। बाकी मेरे कर काफ़ी अच्छा लगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ जालौर में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं,
ये किस चीज की दुकान है आप बताएंगे? खाद बीज की दुकान है। हाँ, तो कोई भी भाई अगर इस तरफ से आसपास से जलौर से या फिर इसके आसपास के इलाके से देख रहे हैं तो इनका चेहरा आप देख लीजिए। आप दुकान का जरा नाम बता दें। लक्ष्मी खाद बीज भंडार जालौर। हाँ, जब भी आना चाहें तो यहाँ पर आकर के जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। बाकी जो भाई हमें यहाँ तक लेकर आए वो तो हमारे साथ में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये है वड़ा पाव जो महाराष्ट्र में काफ़ी बिकता है और यहाँ पर भी है, तो टेस्ट करते हैं इसको।